अगले कॉलर हैं भंडारा से, गीता जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, मेरे ना पैर में डेढ़ 2 साल हो गया गैप आस में, पैरों में गैप आ गया है घुटने घुटने में अच्छा, जी। उम्र कितनी है मरीज? 64 साल कितनी? 64 साल। जी 64 साल। अच्छा, देखिए मेरे अनुभव के अनुसार कभी किसी के गैप आता नहीं है, और ऑपरेशन की तरफ मत जाइए जब तक आप, या तो मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ वो ले लीजिए। देखिए कैप्सूल टी केयर सुबह शाम, रोज़ाना खाना है, खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से, जैसे आपके हालात है। कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, या गौंसिया मिल जाए असली, ये मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिलता है, कड़वा भी बहुत होता है, बदसूरत भी बहुत होता है। ये मिल जाए तो 100-200 ग्राम खरीद लें, ये अपने ख़त्म होने से पहले आपका गैप को ख़त्म करना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए, जैसा कि हकीम साहब ने आपको कहा है कि वो तो नहीं मानते कि पैरों में किसी तरीके का कोई गैप होता है, लेकिन अब आपको डॉक्टर ने कहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि आपकी तकलीफ़ कितनी बड़ी है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सही क्या है और आपके लिए सही उपचार क्या है। बाकी नुस्खा आपको बता दिया गया है, जल्द से जल्द अपना लीजिएगा, ऑपरेशन से रुक जाइएगा। आपसे इतना ही हम कहना चाहेंगे। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं या फिर रॉ मटेरियल अगर आपको नहीं मिल पाता है जिनसे नुस्खे बनाए जाएंगे, तो उसके लिए आप हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकती हैं हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, मैम नमस्कार, लेकिन आपके टीवी का वॉल्यूम कम नहीं है, उसे कम कर लीजिए। सवाल करिए अपना, बोलिए बोलिए। बोलो। हाँ बोलिए। जी, बताइए। हाँ, मेरा मेरे पैर में साइड आपके पैर में दर्द है, आराम से बोलिए, गुस्से में बोल दर्द रही हैं। है। मैंने जयपुर का इलाज करा लिया बहुत सारा, मेरे साइड का दर्द बताया है कि आपकी नसों मतलब दब रही है, एक पैर की ज्यादा परेशानी है और एक की कम है। अपनी अपनी आयु बता दीजिए। आयु मेरी 50 की हो गई है, कम 50। एक कम 50, बहुत सही लैंग्वेज है आपकी, हमारे गांवों में भी ऐसी बोलते हैं लोग, एक कम 50, दो कम 50। बहरहाल देखिए ये नस दबी हुई सही बताइए आपको, और ये नर्व ही दबती है जिसे साइटिक नर्व कहते हैं, इससे साइटिका कहलाता है, इस मर्ज का नाम साइटिका है। साइटिक नर्व जो हमारे खून सप्लाई के लिए पैरों की तरफ जाती है, वो हिप से ऊपर डिस्क में दब जाती है, और आप बहुत समझदार लेडी हैं, वज़न ना उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट का यानी कुर्सी वाले बाथरूम का प्रयोग करें, और उपयोग करें आप गौन स्याह, काला गौन, एक नहायत ही कड़वा और बदसूरत गौंद है, जिसको असली मिल जाए वो 100 ग्राम भी अगर खरीद लें असली, और ये अब 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले ऐसे रोगियों का ठीक होना मुमकिन है। जी सोनीपत से अगले कॉलर हैं सरोज जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। बताइए, तेज आवाज में बात कीजिए। नमस्ते मैडम, नमस्कार, बोलिए। हकीम आदाब जी से बात करनी है। जी, हम तो बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। जी हमारे मतलब हस्बैंड को काफी दिनों से हार्ट पेशेंट हैं, ठीक जी, है। तो उनको दवाई खाने से शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। जी, दवाई खाने से, दवाई खाने से शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, शरीर दुबले में पतले। कमजोरी आ रही है। अच्छा ठीक ठीक है, है। उनकी जी उनकी उम्र बता दीजिए। हाँ उम्र है इनकी 65 साल। देखिए ये उम्र बहुत खतरनाक होती है, और जिनके पास आप जैसी पत्नी है ख्याल रखने वाली, वो स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि आपकी फिक्र ही आपको स्वस्थ करती है। देखिए जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, अगर वो लें तो एक सेहतमंद, एक रोग मुक्त आदमी हो सकते हैं आपके पति।
देखिए बड़ा अच्छा नुस्खा जो मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर और लहसुन का रस 1 लीटर निकाल लें, और इसमें 1 लीटर आपको मिलाना है जैतून का सिरका। यह आपका नुस्खा तैयार हो गया। सिरका आता है जैतून का, असली ले लीजिए, और 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी मिला के खाने के पश्चात उनको यूज़ कराएं। आप देखेंगे कि ये नुस्खा ख़त्म होते होते उनका रोग भी ख़त्म होना मुमकिन है। जो दवाइयाँ खाते हैं वो खाते रहें और ये भी लेते रहें, और धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ भी छूटेंगी और सेहत भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हैं किरण भाई शोलापुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा लेफ्ट वाला पैर है ना, उसका जो ऊपर वाला जो ये है ना बॉल, वो खराब हुआ है ऐसा बोला है डॉक्टर ने। जी हिप का बॉल, हिप के बॉल कह रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी, आपकी उम्र कितनी है बताएंगे? 26 है सर। ठीक है, जब इस उम्र में वो ख़राब नहीं होता जिसको आप कह रहे हैं बॉल जो है, और आप किसी भी ऑपरेशन से पहले कैप्सूल टी केयर सुबह शाम दूध से लेना है, आपको आपकी उम्र कम है, दूध से लेना है, खाने के बाद दूध के साथ कैप्सूल टी केयर खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, जैसे कि आपको यूनानी मेडिसिन यहाँ पे हकीम साहब ने बताई है, और साथ ही साथ आपको क्या क्या बातें मतलब समझनी चाहिए, हम कोशिश करते हैं दर्शकों आप तक वो बातें समझाने की, वो बातें बताने की जिनसे आप समझ भी जाएं और सही उपचार भी आप लोग कर लें। तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ही आप लोग भी नुस्खे जानना चाहते हैं, हकीम साहब से लाइव बात करना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका? सुनीता जी, आपका सवाल? मेरा सवाल है कि जमीन से लेकर पैर तक पूरा दर्द रहता है। कब से है ये दर्द? यही 5-6 महीना से है। एज क्या है आपकी? 45। ठीक है, देखिए दर्द 45 साल में कोई रोग नहीं बल्कि हमारी जीवन के एक ऐसी उम्र आती है जहाँ पर हमारे बॉडी को उसका ओवर हार्लिंग चाहिए, वो भी यूनानी, और यूनानी ओवर हार्लिंग में 3-4 महीने तकरीबन हमारे शरीर की गाड़ी को 3-4 महीने ओवर हार्लिंग पर डाल दें। ओवर हार्लिंग हर शख्स को ज़रूरी, चाहे वो डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, मरीज़ हो, अगर नहीं डाला तो फिर वही इलाज जो आप इतनी मुद्दत से कर रहे हैं, रोज़ाना गोली खाई, रोज़ाना काम चलाया, एक होती है रिपेयर पूरी बॉडी की, पूरी गाड़ी की रिपेयर, तो पूरी गाड़ी की रिपेयर मेरे अनुभव में एक गोंद में है जो जिसे गोंद स्याह कहते हैं। ये अगर असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है और बहुत बुराइयाँ हैं इसमें, लेकिन इसकी तारीफ यही है कि जिसको 100-200 ग्राम नक असली मिल गया उसका समझ लो रोग मुक्त जीवन हो जाता है। इसकी खुराक है 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम, खाने के पश्चात पानी दूध या जूस से जैसे आपके हालात ले सकते हैं 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, और असली चाहिए बस ख़त्म होने से पहले, आपके रोग को ख़त्म होने की ये सलाहियत रखता है। जी झांसी से अगले कॉलर हैं संदीप कुमार हमारे साथ, स्वागत है संदीप जी। हेलो, चलिए लगता है आपसे भी हमारा संपर्क शायद टूट गया है, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा संदीप जी। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट करके हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से बात कर सकते हैं, आराम से इत्मीनान से अच्छे से अपनी रिपोर्ट साझा कर सकते हैं। यहाँ पर समय का अभाव भी होता है दर्शकों, आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोगों को टाइम मिल पाता है हकीम साहब का अपना कीमती वक्त निकाल के वो आप सभी के साथ जुड़ते हैं, तभी कहा जाता है कि अपना
प्रश्न तैयार रखिए, कॉपी पेन एकदम रेडी रखिए, जिससे कि आप हर एक बात अच्छे से आराम से लिख पाए। इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका, नाम बताइए। सुनील कुमार साहू। हाँ जी साहू जी, बताइए आपका सवाल। मैडम मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम है। कब से है? एक कम से कम 6-7 महीना हो रहा है। ठीक है, आपकी एज? एज वही लगभग 45 का है। साहू जी देखिए, बवासीर कोई भी हो, खूनी आबादी, उसके लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, और वो ये है कि सौंफ आती है दो किस्म की, सौंफ दो किस्म की है, दो तरह की। एक तो है जो मोटी सी सौंफ आती है, बदसूरत सी, एक बड़ी खूबसूरत सी, जब हम खाना खाने जाते हैं होटल में तो वो जब बिल आता है तो एक बारीक सी बड़ी खुशबूदार सौंफ लेकर आता है, एक ये सौंफ होती है। ये सौंफ लीजिए 500 ग्राम, और इसमें 100 ग्राम कलौंजी का नमक आता है, एस्टेक कलौंजी। साहू जी आप समझ लें, रसायन कलौंजी या एस्टेक कलौंजी कहते हैं, और हम क्योंकि सादे जबान में भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग बहुत सीधे सादे हैं, तो इसे नमक कलौंजी भी हम कहते हैं। ये 100 ग्राम इसमें मिला लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को खाया करें पानी से, और ऐसा कुछ ना खाएं जो मुश्किल से हजम होता हो। आप ये नुस्खा ख़त्म करते करते अपनी बवासीर को भी खात्मा कर सकते हैं। जी बिहार से कॉलर हैं निधि रानी हमारे साथ, स्वागत है निधि जी। हेलो निधि जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हेलो हेलो जी, आपने अगर अपनी टीवी का वॉल्यूम कम नहीं किया तो आपकी कॉल कट कर दी जाएगी। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल करिए। हाँ पूछ रहे थे कि टीवी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आराम आराम से बोलिए। अरे भैया टीवी बंद कर दो, थोड़ा देर को टीवी कम कर दो, नहीं तो हमारी आवाज़ ना आपको ना आपकी आवाज़ हमें आएगी। टीवी बंद करके कम करके बात करिए फ़ोन पर। हकीम साहब ये शायद किसी से पूछ के बात कर रही हैं, आप जिनसे पूछ रही हैं उन्हें ही फ़ोन पकड़वा दीजिए प्लीज़, समय यहाँ पे बहुत कम है, सवाल करिए। हम पूछ रहे थे कि किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर। कितनी उम्र है मरीज की? 42। हाँ निधि, आप ये विधि इस्तेमाल करिए कि एक तो उनको चर्बी का खाना ना खिलाएं, बगैर चर्बी के खाने से भी लीवर की परेशानी ठीक होना मुमकिन है, और अगर आपको दवा भी पूछनी है इसकी तो बहुत आसान तरीका भी है। एक आता है कलौंजी का नमक, इसे कहते हैं कलौंजी का नमक या नमक कलौंजी या रसायन कलौंजी या एस्टेक कलौंजी इंग्लिश में कहते हैं। ये 100 ग्राम ख़रीद लीजिए असली वाला, और इसकी एक चुटकी में जितना आए ना इस तरह से, इस चुटकी में, मरीज की चुटकी में, आपकी चुटकी में नहीं, मरीज की चुटकी में जितना आए एक पानी में मिला के, एक गिलास पानी में मिला के सुबह शाम इन्हें पिलाया करिए, आपकी लीवर की हर समस्या का अच्छा एक नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल करें।